हेलो दोस्तों, मेरा नाम शाहनवाज है और आज हम बात करने वाले हैं वोल्टास बेको के एक प्लेट के डिशवॉशर के बारे में। अब दोस्तों, इंडस्ट्री में जितने भी ब्रांड्स हैं तो उनमें से कोई भी ब्रांड 12 प्लेट के ऊपर फोकस करता है, कोई 13 पे, कोई 14 पे, कोई 15 प्लेट के ऊपर फोकस करता है। लेकिन वोल्टास बेको एक ऐसा ब्रांड है दोस्तों जिसने सबसे पहले 8 प्लेट का पोर्टेबल डिशवॉशर लॉन्च कर दिया है। अब इसके लिए दोस्तों आपको अलग से किचन में सेटअप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये छोटा सा डिशवॉशर है दोस्तों जिसको आप आराम से किचन के ऊपर या टेबल के ऊपर या स्टैंड के ऊपर इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें दोस्तों आपका वाटर कंजप्शन काफी कम होता है, यानी कि पूरे के पूरे साइकिल में ये डिशवॉशर सिर्फ और सिर्फ 8 लीटर का वाटर कंजप्शन करता है। इसमें दोस्तों एक प्रोग्राम है जिसमें आप फुल लोड को सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट में धो सकते हो और इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी काफी कम होता है। तो आज की वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंडिंग तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहीं पर आपको मिलती है टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी जानकारी पूरी डिटेल में। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वोल्टास बेको का 8 प्लेट का डिशवॉशर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। 8 प्लेट का मतलब होता है दोस्तों कि 8 लोगों को डिनर के समय जितने बर्तन लगते हैं आप उतने बर्तन एक समय पे एक डिशवॉशर के अंदर धो सकते हो। दूसरा एग्जांपल दोस्तों ये होता है कि आप इस डिशवॉशर के अंदर 8 डिनर सेट को धो सकते हो। ये डिशवॉशर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है। अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो इसका हाइट आता है 55 सेंटीमीटर, डेप्थ आता है 50 सेंटीमीटर और इसका विड्थ आता है 59 सेंटीमीटर। अगर हम इसके वेट की बात करें तो इसका नेट वेट आता है 25.5 kg। मैं आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर इसका लिंक दे दूंगा, अगर आपको इसे परचेस करना हो तो आप उस लिंक पर जाके उसे परचेस कर सकते हो। दोस्तों अगर आप इसे परचेस करते हो तो इसके साथ में आपको एक पावर केबल आता है, एक डिशवॉशर आएगा, एक यूज़र मैनुअल आएगा, एक इनलेट होस आएगा, एक ड्रेन होस आएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे कंपेयर करते हो किसी भी दूसरे ब्रांड के पोर्टेबल डिशवॉशर के साथ में तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन के अंदर आपको सिंगल लोअर बास्केट आता है, लेकिन इसमें आपको डबल बास्केट मिलेगा, एक अपर आएगा एक लोअर आएगा। उसके अलावा इसमें बड़े बड़े आपको 2 स्प्रे आर्म भी दिए हुए हैं। इसमें आपको 6 वॉश प्रोग्राम दिया हुआ है। इसमें वाटर कंजप्शन काफ़ी कम होता है। उसके अलावा दोस्तों इसका जो पैनल है पूरा का पूरा वाटर प्रूफ आएगा और ये वोल्टास बेको टाटा का ब्रांड है, इसके वजह से इसमें आपको 2 साल की टोटल वारंटी आती है और आपको वारंटी आती है 5 साल की मोटर की। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर आपको इनबिल्ट हीटर भी आता है जो आपको तकरीबन 70 डिग्री तक का पानी को गर्म करके देगा, जिसके वजह से आपको हाइजीन वॉश भी मिल पाता है। तो दोस्तों अगर आप एक अच्छा डिशवॉशर लेना चाहते हो जो कम जगह में इजीली इंस्टॉल हो पाए तो ये आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों डिशवॉशर में बर्तनों को धोने के लिए आपको 3 चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ आती है सॉल्ट। अगर आप लोअर चैम्बर को ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको इस प्रकार का कंपार्टमेंट मिलेगा जिसके अंदर आप डिशवॉशर सॉल्ट को इंस्टॉल करके रख सकते हो। ये डिशवॉशर सॉल्ट दोस्तों आपको डेली बेसिस पर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आपको 1 किलो का स्टोरेज दिया हुआ रहेगा, जैसे ही 1 kg का सॉल्ट खत्म हो जाएगा वैसे ही आपको डिस्प्ले पर इंडिकेट करके वो बता देगा। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ डालनी पड़ती है डिशवॉशर रिंसेट, ये भी दोस्तों आपको डेली बेसिस पर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको स्टोरेज दिया हुआ है, यानी कि अगर आप चाहो तो इसके अंदर 110 ml के लिक्विड को स्टोर करके रख सकते हो, जैसे ही ये खत्म हो जाएगा वैसे ही आपको डिस्प्ले पे इंडिकेट करके वो बता देगा। तीसरी चीज़ दोस्तों आपको डालना पड़ता है डिशवॉशर मैट्रिक्स, ये आपको डेली बेसिस पर डालना होगा क्योंकि इसमें आपको स्टोरेज नहीं मिलता है। तो दोस्तों अगर आपको ये तीनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगती है तो आप चाहो तो शॉपिंग सेंटर या ऑनलाइन से एक टैबलेट भी परचेस कर सकते हो। टैबलेट दोस्तों फिनिश कंपनी की आती है, फॉर्चून की आती है, IFB की आती है, बॉश की आती है। एक टैबलेट में दोस्तों आपको तीनों की शक्ति होती है, यानी कि उसके अंदर आपको डिशवॉशर मैट्रिक्स, डिशवॉशर सॉल्ट, डिशवॉशर रिंसेट पहले से इनबिल्ट होता है, तो आपको बाकी तीनों चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसके प्रोग्राम की बात करें तो इस डिशवॉशर के अंदर आपको 6 वॉश प्रोग्राम दिए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रोग्राम का नाम है दोस्तों इंटेंसिव। ये प्रोग्राम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हैवी सॉइल क्रॉकरी के लिए दिया हुआ है। इस प्रोग्राम के अंदर दोस्तों आपको 160 मिनट का ड्यूरेशन होगा, तकरीबन 12.5 लीटर के आसपास का वाटर कंजप्शन होगा और इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1.25 यूनिट का रहेगा। दूसरे प्रोग्राम का नाम है दोस्तों नॉर्मल, ये प्रोग्राम दोस्तों तकरीबन 150 मिनट का रहेगा। इसमें भी आपका तकरीबन 12.5 लीटर के आसपास का वाटर कंजप्शन रहेगा और इसका यूनिट कंजप्शन रहेगा दोस्तों 1.05 यूनिट और ये दोस्तों नॉर्मल सॉइल डिशेज के लिए दिया हुआ है। तीसरे प्रोग्राम का नाम है दोस्तों इको, जो कि पावर सेविंग के लिए कहा जाता है। इस प्रोग्राम का दोस्तों ड्यूरेशन रहेगा 185 मिनट का। इसके अंदर आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 8 लीटर का वाटर कंजप्शन होगा और इसका इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होगा दोस्तों 0.72 यूनिट। ये स्टैंडर्ड प्रोग्राम दिया हुआ है दोस्तों पावर सेविंग के लिए। चौथे प्रोग्राम का नाम है दोस्तों ग्लास केयर, जो कि ग्लास के बर्तनों के लिए दिया हुआ है।
इस प्रोग्राम में दोस्तों तकरीबन 95 मिनट का साइकिल रहेगा। इसमें 10.5 लीटर का वाटर कंजम्पशन जाएगा और इसमें सिर्फ और सिर्फ 0.7 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जाएगा। पांचवें प्रोग्राम का नाम है दोस्तों क्लीन एंड शाइन, जो कि 90 मिनट का प्रोग्राम रहेगा। इसमें 11 लीटर का वाटर कंजम्पशन होगा और इसके अंदर आपका 1.15 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा। ये लाइटली सॉइल क्रॉकरी के लिए दोस्तों दिया हुआ है। दोस्तों छठे प्रोग्राम का नाम दिया हुआ है मिनी। ये प्रोग्राम दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 35 मिनट का रहेगा। इसमें 7 लीटर का वाटर कंजम्पशन होगा। इसमें 0.52 यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा। ये दोस्तों छोटा प्रोग्राम है क्विक वॉश के लिए। दोस्तों प्रोग्राम के नीचे का जो बटन है दोस्तों वो है ऑन ऑफ का बटन, यानी कि पावर का बटन है। उसके बाजू में दोस्तों दिया हुआ है पी। पी का मतलब होता है प्रोग्राम सिलेक्टर, इसके वजह से आप दोस्तों प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाजू में दोस्तों दिया हुआ है आपको डिले का बटन, आप चाहो तो प्रोग्राम को डिले कर सकते हो। उसके बाजू में दोस्तों दिया हुआ है आपको प्ले और पॉज का बटन। अगर आप दोस्तों ऊपर की तरफ देखोगे तो ऊपर की तरफ सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपको सॉल्ट वार्निंग का, यानी कि अगर आपके डिश वॉशर के अंदर सॉल्ट खत्म हो जाएगा तो आपको इंडिकेट करके बता देगा। उसके बाजू में दोस्तों दिया हुआ है आपको रिनसेट वार्निंग, यानी कि अगर आपका रिनसेट खत्म हो गया तो आपको इंडिकेट करके बता देगा। उसके बाजू में दोस्तों आपको दिया हुआ है डिस्प्ले स्क्रीन। तो दोस्तों वोल्टास बेको का 8 प्लेट का डिशवॉशर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। जब भी आप उसको ओपन करोगे तो उसके अंदर आपको दो ट्रे मिलेगी। पहला रहेगा दोस्तों अपर बास्केट, जिसमें आप छोटे बर्तनों को रख सकते हो। आप चाहो तो दोस्तों ऊपर के ट्रे में ग्लास रख सकते हो, कटोरी रख सकते हो, छोटे बॉल रख सकते हो, छोटे कप रख सकते हो। इसी बास्केट में दोस्तों आपको ऊपर की तरफ दो शेल्फ दिए हुए हैं। आप चाहो तो ऊपर के शेल्फ में बड़े बड़े स्पून को रख सकते हो, बड़ी बड़ी नाइफ को रख सकते हो, और आप चाहो तो दोस्तों नीचे के शेल्फ में छोटे मोटे चम्मच को, छोटी मोटी नाइफ को रख सकते हो। इसके नीचे की तरफ दोस्तों आपको दिया हुआ है स्प्रे आर्म, जो कि 360 डिग्री में रोटेट करता रहता है। ये स्प्रे आर्म दोस्तों पीछे की तरफ पाइप से कनेक्ट रहता है, यानी कि जब भी आप डिशवॉशर को ऑन करते हो तो अपर बास्केट के लिए यहीं से पानी आता है। इसके अलावा दोस्तों जो नीचे की तरफ का लोअर बास्केट रहता है उसमें आप बड़ी बड़ी प्लेटों को रख सकते हो। आप चाहो तो छोटी क्वार्टर प्लेट को रख सकते हो, आप चाहो तो छोटे बॉल को रख सकते हो, आप चाहो तो छोटे कुकर को, छोटी कढ़ाई को, छोटी पतीली को उल्टा करके रख सकते हो। दोस्तों ये एक पोर्टेबल डिशवॉशर है 8 प्लेस का, यानी कि इसके अंदर जो प्लेटों की साइज़ होगी वो स्टैंडर्ड होगी। आप इसमें बड़ी बड़ी राजधानी थालियों को नहीं धो सकते हो। दोस्तों लोअर बास्केट के नीचे ही आपको दिया हुआ है दूसरा स्प्रे आर्म, जो कि सेम 360 डिग्री में रोटेट करता रहेगा, यानी कि लोअर बास्केट में यही से पानी सप्लाई होता रहेगा ऊपर की तरफ। दोस्तों नीचे वाले स्प्रे आर्म के बाजू में आपको दिया हुआ है फिल्टर। ये फिल्टर दोस्तों आपको हर साइकिल के बाद में निकालना है, धोना है, वापस से उसको वही जगह पर इंस्टॉल कर देना है। बहुत बार दोस्तों जब भी हम चाय की पतीली धोते हैं तो चाय की पतीली में बहुत सारी चाय की पत्तियाँ रह जाती है, चावल की पतीली में बहुत सारे चावल रह जाते हैं, तो सारी गंदगी दोस्तों फिल्टर के पास जाके जमा हो जाती है। तो आपको हर साइकिल के बाद में उसे निकालना है, धोना है, वापस से फिट कर देना है। इसके वजह से दोस्तों आपको बाद में मेंटेनेंस कॉस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन है 8 प्लेस के डिशवॉशर के बारे में। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के ऊपर इसका लिंक दिया हुआ है, अगर आपको परचेस करना हो तो आप वहाँ से जाके इसे परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें, जो भी आपका क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं पर आपको मिलती है टेक्नोलॉजी से जुड़ी सारी जानकारी पूरी डिटेल में। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।